कतर तो काबुल एयरपोर्ट ते तकनीकी माहिरां दी टीम पहुंची है। अतवादी हमले तो बाद होए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। हालांकि उड़ाना मुड़ शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है, पर काबुल एयरपोर्ट तालिबान के कब्जे विच है। अफगानिस्तान च तालिबानी हकूमत विचाले काबुल एयरपोर्ट ते उड़ाना जल्द शुरू होने की उम्मीद है। कतर तो आई एक टैक्निकल टीम अतवादी हमले तो एयरपोर्ट ते हुए नुकसान का जायजा लै रही है। 31 अगस्त को अमरीकी सेना के काबुल एयरपोर्ट ते कब्जा छड़न तो बाद इत्थे उड़ाना का संचालन बंद सी। अमेरिका समेत दूजे देश काबुल एयरपोर्ट तो सेना के जहाज़ों के नाल अपने अपने लोगों नू एयरलिफ्ट कर रहे सन, पर 31 अगस्त तो काबुल एयरपोर्ट तालिबान के कब्जे विच है। कतर की टीम के आने के नाल लोगों की उम्मीद जागी है, पर मौजूदा समय दे विच एक कौमांतरी एयरपोर्ट तालिबान के कब्जे विच है। यानी कि जेकर किसी ने देश तो बाहर जाना है तो तालिबान तो मंजूरी मंगनी पवेगी। हालांकि अमेरिका मदद का दम भर रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान नूं आज़ाद मुल्क ऐलान दिता है। तालिबान ने कहा कि जंग दे विच साडी जित हुई है, घुसपैठियां दे लई एक सबक है। तालिबान के बुलारे जवीउल्ला मुजाहिद ने कहा सी कि तालिबान अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों के नाल चंगे रिश्ते कायम करना चाहता है। एयरपोर्ट के कंट्रोल तो बाद नोटिस टू एयरमैन ने एमरजेंसी संदेश जारी कर कहा सी कि काबुल एयरपोर्ट हुण किसी दे भी कंट्रोल दे विच नहीं है। इसका मतलब यह है कि इत्थे जहाज़ों का उड़ान भरना अते लैंड करना सुरक्षित नहीं है। हालांकि तालिबान ने दावा किया सी कि उन्हां दी स्पैशल फोर्स बदरी 313 काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा संभाल रही है। हकानी नैटवर्क के नाल जुड़े अतवादी एयरपोर्ट का दौरा भी कर चुके ने। अमेरिका दे अफगानिस्तान तो पूरी तरह जान तो बाद हुण तालिबान सरकार का गठन करेगा। ईरान की तर्ज ते तालिबान सरकार बनाएगा। तालिबान दे सुप्रीम लीडर मुल्ला अखूनजादा हो सकते हैं, जिस दे अधीन सुप्रीम काउंसिल होगी, जिस दे 11 तो 70 मैंबर हो सकते हैं। मुल्ला बरादर या मुल्ला यकूब नूं अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। जानकारी मुताबिक सुप्रीम लीडर अखूनजादा कंधार च ही रहेगा ते प्रधानमंत्री अते सरकार दे बाकी मंत्री काबुल च सरकार का संचालन करनगे। तालिबान अफगानिस्तान च मौजूद संविधान नूं रद्द कर 1964 अते 65 दे पुराने संविधान नूं मुड़ लागू कर सकदा है। हालांकि कुछ अहम अहुदियां दी वंड कर भी दित्ती गई है। इस दे विच तालिबान ने अपने वड्डे लीडरां नूं जगह दित्ती है। हिबतुल्ला अखूनजादा नूं कानून मंत्री बनाया गया है। साल 2016 च तालिबान की कमान संभाली। मई 2016 च मुल्ला मंसूर अख्तर की अमरीकी ड्रोन हमले च मौत हुई। मंसूर की मौत तो बाद हिबतुल्ला नूं सुप्रीम लीडर चुनिया गया सी। अब्दुल कयूम जाकिर, अब्दुल कयूम जाकिर रक्षा मंत्री बनाए गए ने। अब्दुल कयूम जाकिर 48 साल दा है। जाकिर दा जन्म अफगानिस्तान के हेलमंड सूबे दे विच होया। अब्दुल कयूम जाकिर की गिणती खतरनाक अतवादियों दे विच हुंदी है। वर्ल्ड ट्रेड टावर ते हमले तो बाद अमेरिका ने गिरफ्तार किया। क्यूबा च गुआंतानामो बे जेल दे विच कैद किया गया सी। गुआंतानामो बे जेल दुनिया की सब तो खतरनाक जेल है। जाकिर गुआंतानामो जेल दे विच साल 2002 तो 2007 तक कैद रखा गया। 9/11 हमले तो बाद 40 कैदियों के लिए 1800 जवान तैनात किए गए सन। गुल आगा ईशा काजी नूं खजाना मंत्री बनाया गया। तालिबान के वित्ती कमीशन के चेयरमैन सन। अफगानिस्तान के खजाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के कई देशों के वलों पाबंदी लाई जा रही है। ईशा काजी मुल्ला बरादर के नज़दीकी मने जाते हैं। ईशा काजी से आत्मघाती हमलों के लिए फंड जुटाने के दोष लगे ने। अब्दुल बकी हकानी, अब्दुल बकी हकानी उच्च सिक्ख्या मंत्री बनाए गए ने। हकानी तालिबान के पहले पड़ा दौरान राज्यपाल रहे। 1996 तो 2001 दौरान खोस्त अते पक्तिया सूबे दे विच राजपाल सन। इब्राहिम सदर गृह मंत्री बनाया गया। 1980 च सोवियत कब्जे विरुद्ध लड़े मुजाहिदीन का हिस्सा सी। बाद दे विच ओ तालिबान दे विच शामिल हो गया।
देश के घरेलू युद्ध 1899 तो 1996 के दरमियान विरोधी ताकतों के विरुद्ध लड़िया। नजीबुल्ला नूं खुफिया विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। तालिबान चों वड्डा लीडर मन्निया जांदा है। हेमंत अखुंदजादा नूं सिख्या मंत्री बनाया गया है। अफगान सियासतदान अते तालिबान का मैंबर सी। तालिबान ने अफगानिस्तान नूं आजाद मुल्क ऐलान दिता है। तालिबान ने कहा है कि जंग च साडी जित होई है, घुसपैठियां दे लई एक सबक है। गल्लां कई हुंदियां ने, कुछ माहौल बनाउण वालियां, कुछ बिगाड़न वालियां, कदे कदे डराउण धमकाउण वालियां, ते कुछ सच दे लिफाफे च झूठ दी चिट्ठी पहुंचाउण वालियां। उनको पता लगना चाहिए कि मेरा नेता कैसा होगा। अजिहियां गल्लां हुण होर नहीं, क्योंकि आ रहा है साफ सिद्धियां ते सच्चियां गल्लां दा पहला शो मुक्दी गल, मेरे यानी जगविंदर पटियाल दे नाल।